क्या है भीलवाड़ा मॉडल? भीलवाड़ा मॉडल ने कैसे हराया कोरोना? क्या पूरे देश को पड़ेगी ऐसी ही रणनीति की जरूरत? कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में भी तेजी से फैल रहा है। इस महामारी की चेन तोड़ने के लिए भारत सरकार भरकस प्रयास कर रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सरकार के साथ जनता को भी पूरा सपोर्ट देने की जरूरत है, तभी ये चक्र टूटेगा। कोरोना को हराने का सबसे बड़ा उदाहरण बना है भीलवाड़ा मॉडल, जो पूरी तरह कोरोना की चपेट में आ चुका था, लेकिन आज भीलवाड़ा ही देश का एकमात्र शहर है जिसने 20 दिन में कोरोना को हरा दिया। हालांकि ऐसा हो पाना इतना आसान नहीं था। राजस्थान के इस शहर में हालात इस कदर खराब हो गए थे कि प्रशासन ने खुद ही कहा था कि भीलवाड़ा बारूद यानी कोरोना के ढेर पर है, लेकिन हौसला बरकरार रखा और फिर सब एकजुट हुए। इस वायरस को हराने के पीछे थी जिला प्रशासन की ठोस रणनीति, कड़े फैसले, चुनाव की तरह मैनेजमेंट और जीतने की जिद। प्रशासन कर्मचारियों ने रात रात भर जाग कर काम किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के साथ मिलकर मेगा प्लान बनाया और इस महामारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट से चर्चा कर कर्फ्यू लगाने की स्वीकृति दी और जिले की सभी सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए। हालांकि पहले 25 लाख लोगों को घरों में कैद रखना एक मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन बाद में डरी जनता ने खुद ही स्वप्रेरणा से खुद को घरों में बंद कर लिया। नगर परिषद के जरिए शहर के 55 वार्डों को 5 बार सैनिटाइज करवाया गया। हर गली मोहल्ले कॉलोनी में हाइपोक्लोराइड 1% का छिड़काव किया गया। सिर्फ 7 दिन में जिले में 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके लिए 6000 कर्मचारी जुटे। कर्मचारियों के संपर्क मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की गई। 7000 से अधिक संदिग्ध होम क्वारंटीन में रखे गए। 1000 को 26 होटल, रिजोर्ट व धर्मशालाओं में क्वारंटीन किया गया। जिले के राजकीय अस्पताल को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जिसमें कार्यरत डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ की हर सप्ताह ड्यूटी बदली। वो कोरोना से संक्रमित न हो इसलिए 7 दिन की ड्यूटी के बाद उन्हें भी 14 दिन क्वारंटीन में रखा। नतीजा, अब तक 59 स्टाफ में से एक भी संक्रमित नहीं हुआ। पॉजिटिव केसों की गिनती बढ़ती देख 20 मार्च को भीलवाड़ा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। फिर 14 दिन बाद 3 से 13 अप्रैल तक 10 दिन के लिए महा कर्फ्यू। ऐसा करना जरूरी था ताकि लोग घरों में ही रहें। प्रशासन ने जिले की सीमाएं सील कर दी, 20 चेक पोस्ट बनाकर कर्मचारी तैनात कर दिए, ताकि ना कोई बाहर आ सके ना जिले से बाहर जा सके। शहर व जिले में रोडवेज व प्राइवेट बसें सहित सभी तरह के वाहन ट्रेन भी बंद करवाए। सहकारी भंडार के जरिए वाहनों से घर घर राशन सामग्री, फल सब्जियां व डेयरी के जरिए दूध पहुंचाया गया। श्रमिक, असहाय व जरूरतमंदों को निशुल्क भोजन पैकेट व किराना सामान भेजा गया, लेकिन ये सब संभव हो पाया जन सहयोग के चलते। उन्होंने भी इस वायरस को हराने में सरकार का पूरा साथ दिया। केंद्र सरकार ने भीलवाड़ा प्रशासन के लिए निर्णय व रणनीति को मॉडल माना है। तो क्या आपको लगता है कि पूरे देश में ऐसी रणनीति बननी चाहिए ताकि कोरोना की कमर को पूरी तरह तोड़ दिया जाए? अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें कि सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए।